सर गंगाराम इज माय हीरो, बिल्कुल सर गंगाराम इज माय हीरो, जिसने जिसने लाहौर के नक्शे बनाए, आज भी बिल्डिंगें खड़ी हैं, वो आज भी वो हॉस्पिटल खड़ा जो वो बना कर गए थे। और उसमें मुझे इस चीज पे फखर है कि मेरे जो जो पुरखे थे देवर, उन्होंने बड़े बहादुरी के साथ लड़ते थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये फॉरेन इन्वेडर थे, यहां से मैं जुल्म करते थे, यहां से बच्चियां अगवा करके जाके काबुल में मंडियों में बेचते थे ये लोग। So while the Indian Prime Minister is invited into the White House with dignity and honor, the Pakistani Prime Minister was sent in a bus. आप यकीन करिए, it has never happened. बल्कि आपको अफगानिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे लोगों के ऊपर अपने मिसाइल्स के नाम ना लिखो, रखो। इन्होंने गौरी लिखा था, गौरी इज नॉट पाकिस्तानी। मैं भी पाकिस्तानी, देखिए आप कहीं गैदरिंग देखिए, ऐसे लगता है सब बेडरूम से उठ के आ गए। क्या मईशत की ये हालत हो चुकी है कि अब आप लाइफ सेविंग ड्रग का रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट नहीं कर सकते, यानी एलसीज नहीं ओपन कर सकते? हाय हाय महंगाई। इंडिया के अंदर 400 ज़बानें, 29 स्टेट्स हैं। अगर देखा जाए तो G20, मैं समझता हूँ इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर द रीजन। बल्कि मैं तो यहां तक कहता था कि पाकिस्तान को चाहिए कि भारत को मुबारकबाद पेश करे। और दूसरा, मैं हमेशा ये कहता हूं आरजू कि अगर आप कुछ खुद करने की सलाहियत नहीं रखते, जो आपने खुद फरमाया, तो आप कोशिश करें कॉपी करें। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू निशम रिया। जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया वाले कह रहे हैं कि उनके पूर्वज तो हिंदू थे, और ये सच भी है, यहाँ के जितने भी मुसलमान हैं उनके पूर्वज हिंदू ही थे, और हिंदू से कन्वर्ट होकर वो मुस्लिम बने हैं। और वो कह रहे हैं कि हिंदुओं ने हमारे यहाँ जो बनाया है, जैसे इमारतें हो गई, हॉस्पिटल हो गए, कुछ स्कूलें हो गई, वो अभी भी वैसे की वैसी है। हालांकि हमने उन पाकिस्तानियों ने अभी तक के वहाँ पे ऐसे कुछ नहीं बनाया। दूसरी ओर पाकिस्तान के लाले पड़े हुए हैं, पाकिस्तान के पास में इंपोर्ट करने के लिए कुछ पैसा बचा नहीं है, यहाँ तक कि उनके मेडिसिन की जो रॉ मटेरियल लगते हैं, वो रॉ मटेरियल इम्पोर्ट करने के तक के उनके पास पैसे नहीं है। इस वजह से उनके पास में मेडिसिन की जो कीमत है वो भी बहुत बढ़ गई है। तो इसी बारे में पाकिस्तानी मीडिया पर क्या चर्चा है, क्या बातें चल रही है, चलिए देखते आगे इस वीडियो को। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमें सहयोग कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। सर डॉक्टर परवेज हूद भाई हीरो हैं। नहीं, सितार इंदीद साहब तो अभी कल आए हैं। सर गंगाराम इज माय हीरो। बिल्कुल। सर गंगाराम इज माय हीरो, जिसने जिसने लाहौर के नक्शे बनाए, आज भी बिल्डिंगें खड़ी हैं, वो आज भी वो हॉस्पिटल खड़ा है जो वो बना कर गए थे। तो मैं, मेरे हीरो ये हैं। मैं समझता हूं जिंदगी मजहबी जो आप मजहब के नाम पे किसी की किसी को कॉर्नर करेंगे, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। बल्कि मैं, ये मेरी रिक्वेस्ट होगी कि पाकिस्तानी अगर कोई देख रहा है तो पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़े और लोकल हीरोज को रिकॉग्नाइज करें। मुझे इंतहाई खुशी हुई थी लाहौर के पास उन्होंने भगत सिंह चौक रखा था नाम उसका, ही इज अ हीरो ऑफ ही वाज फ्रॉम रायपुर। और मैं बिल्कुल, और मैंने बड़ी डिटेल के साथ महाराजा रणजीत सिंह की हिस्ट्री पढ़ी, व्हाट काइंड ऑफ ब्रेव पर्सन ही वाज। और दूसरा, मैं आपको एक और बात आज बताना चाहता हूं कि सबसे पहले पठानों के, अफगानियों के सामने शेखुपुरे के जो जाट बरादरी थी सिख, जो वो खड़े हुए थे बच्चियां अगवा करके लेके जाते थे जब दिल्ली को लूटने आते थे, सबसे पहले वो खड़े थे, शबखुन मारते थे, कश्मीर की पहाड़ियों पे चढ़ जाते थे, नीचे उतर के वो शबखुन मारते थे लाहौर के ऊपर सिख जो थे। और पंजाब के अंदर हम जो ज्यादा क्या 100% जो जाट हैं पंजाब में रहने वाले, वी आर कन्वर्टेड फ्रॉम सिखिज्म टू इस्लाम। और उसमें मुझे इस चीज पे फख्र है कि मेरे जो जो पुरखे थे देवर, उन्होंने बड़े बहादुरी के साथ लड़ते थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये फॉरेन इन्वेडर थे, यहाँ से मैं जुल्म करते थे, यहाँ से बच्चियां अगवा करके जाके काबुल में मंडियों में बेचते थे ये लोग। ये इस्लाम आपको कह रहे हैं कि सोमनाथ के मंदिर को तोड़ने वाले, ये इस्लाम की खिदमत कर रहे थे और जुर्म करते रहे लोगों को, बाय फोर्स कन्वर्जन करते रहे जिंदगी में। मैं बता रहा था, पूरी दुनिया में कहीं भी बाय फोर्स कन्वर्जन नहीं होते। तबलीग एक और चीज होती है, तबलीग करके किसी को कन्विंस करना, उसके दिल और दिमाग को चेंज करना एक अलग बात है। बाय फोर्स किसी लालच के जरिए जो कन्वर्ट किया जाता है वो कन्वर्जन नहीं होते। इस्लाम के अंदर इनकी चीजों की गुंजाइश मौजूद नहीं है। और तीसरी, मैं ये बात बताना चाहूंगा कि जो लोग आके इस इंडिया को, भारत को तोड़ते रहे और लूट लूट के काबुल ले जाते रहे, वो सारे फॉरेन इन्वेडर थे, फॉरेन इन्वेडर थे। और सिर्फ उनके लूट, दे वर डैकवर्ड्स लूटर्स, जिनको बाद में आपने अपनी हिस्ट्री की किताबों में अपना हीरो बना लिया। मुझे यहां आके हिस्ट्री दोबारा पढ़नी पड़ी। बल्कि आपको अफगानिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे लोगों के ऊपर अपने मिसाइल्स के नाम ना लिखो, रखो। इन्होंने गौरी लिखा था, गौरी इज नॉट पाकिस्तानी। अपने हीरो ढूंढो, यहां अंदर से हीरो ढूंढो। मैं गुजरांवाला से खुद जट हूं, मेरा महाराजा रणजीत सिंह इज माय हीरो। मैं समझता हूं कि एक वाहिद था जो इस धरती का पैदा था, हुआ था,
और उसने बड़े बड़ी फोर्स के साथ, एक बहादुर इंसान था जिसने काबुल तक जाके अपनी अपनी स्टेट को, भगत सिंह इज माई हीरो। ये बिल्कुल आप गलत तारीख पढ़ाते हैं लोगों को, और ज्यादा है किसी के मजहब को बुरा कहना, किसी की मजहबी इमारत को, उनकी किताबों को डिस्ट्रॉय करना, इस अगेंस्ट द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ एवरी रिलीजन, नॉट ओनली इस्लाम, एवरी रिलीजन। मैं समझता हूँ कि रिलीजन का काम तो एक दूसरे को मोहब्बत, प्यार और हारमोनी सिखाना है। तो अगर देखा जाए तो G20, मैं समझता हूँ इस बिग अपॉर्चुनिटी फॉर द रीजन, बल्कि मैं तो यहां तक कहता था कि पाकिस्तान को चाहिए कि भारत को मुबारकबाद पेश करे। और दूसरा, मैं हमेशा ये कहता हूँ आरजू, कि अगर आप कुछ खुद करने की सलाहियत नहीं रखते जो आपने खुद फरमाया, तो आप कोशिश करें कॉपी करने की, क्योंकि जेनेटिकली वी आर सेम, हम एक ही इस धरती के बच्चे थे, सदियों से इकट्ठे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा कल्चर, हमारी जबान, हमारी सोच, हर चीज मिलती है। तो एक मिनट के लिए जरा देखें कि अगर इसको हम एक एक बैक बर्नर पर रखें तो उसके कितने फवायद मौजूद हैं। बिल्कुल सर, सीखने की गुंजाइश रखनी चाहिए और इसमें कोई हरज नहीं है, क्योंकि वो हाथ में ताबीज कर रहे हैं, जादू कर रहे हैं उसके ऊपर, ऐतल कुर्सी पढ़ पढ़ के फूक रहे हैं ट्रंप पे। आप समझते हैं कि ट्रंप के पास लोग नहीं बैठे हुए कि ये क्या कर रहा है, ऐतल कुर्सी क्यों पढ़ रहा है, ये तो कह रहा है कि शैतान सामने बैठा हुआ है, इसको बस में बिठा दो। सो व्हाइल द इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज इनवाइटेड इनटू द व्हाइट हाउस विद डिग्निटी एंड ऑनर, द पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर वाज सेंट इन अ बस। आप यकीन करिए, इट हैज नेवर हैपेंड। वो कार तो आती है लेने, इनको डायरेक्ट जैसे हम लोग को भी बिजनेस क्लास से उतार देते, बस में डाल रही, वो बस नीचे जाती है, चली जा रही है, खड़े में बस के अंदर। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जा रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप से मिले, और वहां पते की कोई बात ही नहीं करना जानता वो, यू नो। सो इंडिया के अंदर 400 ज़बानें, 29 स्टेट्स हैं। जब उनका बॉर्डर प्रोविंस में कोई लिंग्विस्टिक होती है, वो चेंज करके नया प्रोविंस बना देते हैं। हरियाणा उन्होंने अलग किया है, छत्तीसगढ़ को देखिए, आपको देखिए, उनके यहाँ टेंशन नहीं है, मारपीट नहीं है। यहाँ तो हमारा छोटा सा भावलपुर जो है, और ये सरायकी डिस्ट्रिक्ट, उनकी पहचान नहीं करते हम कहते हैं सारी, अरे वो नहीं है पंजाबी मेरे भाई। आपको पता है कि भावलपुर प्रिंटेड पाकिस्तान फर्स्ट करेंसी, क्योंकि पाकिस्तान के पास प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। द स्टेट ऑफ भावलपुर दैट जॉइंड पाकिस्तान प्रिंटेड फर्स्ट स्टैम्प्स ऑफ पाकिस्तान।